ये नहीं है कि आपको उनको वहां से हटा के कहीं और ले जाना है, नहीं, दे आर सर्वाइवर्स, दे विल फाइंड देयर वे, यू जस्ट नीड टू गिव देम एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ एंड सिक्योरिटी. देखिए हम सब जानते हैं कि समाज में सेक्सुअल प्रेडेटर्स हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है. यू नो दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली रैंकल्स माई हार्ट. आई गेट वेरी टेरिफाइड व्हेन आई थिंक अबाउट इट. इट्स नॉट जस्ट सेक्सुअल प्रेडेटर्स, इट्स ड्रग डीलर्स, दे आर ड्रग पेडलर्स. आप मैम परसेंटेज अपने बच्चों का परसेंटेज कितना बढ़ गया है ड्रग एडिक्शन का मुंबई में, आप जानते हैं? Considerably, exact number I don't know, but considerably. So they're smelling glue, there is all kinds of addiction, and it's heartbreaking, and it has to change. How can it change? We have to give them access to rehabilitation. We have rehabilitation centers. Meri mom ek rehabilitation center mein kaam karti hai. और मैं जानती हूँ कि परसेंटेज बच्चों का ड्रग एडिक्शन में कितना बढ़ गया है, स्पेशली बच्चे जो स्ट्रीट सिचुएशंस में रहते हैं. दूसरा, गुड टच बैड टच. अगर हमारा फाउंडेशन और सेव द चिल्ड्रन ये जो कैंपेन है ये मुहिम का हिस्सा बनाया है उन्होंने, बच्चों को पहचान दिलाना है लेकिन उसके साथ साथ उनके हक का एहसास दिलाना है और उनको सुरक्षित करवाना है. आप सोचिए, बड़े मकान में रहने वाले, गाड़ियों में अपने बच्चों को भेजने वाले स्कूल, वो अपने बच्चों को सुरक्षित महसूस नहीं करते. आप सोचिए, जो बच्चे सड़कों पे रहते हैं वो किस तरह सुरक्षित होंगे. लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों से बात कर चुकी हूँ, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और वो उनकी जो संगठन है वो बहुत बुलंद है. अगर कोई बच्चे को कुछ बाल भी बाका हो तो सारे दौड़ के आते हैं. उनको पता है कि कोई भी उनको कहीं ले जाना चाहता है या उनसे कहता है हम आपको टॉफ़ी देंगे या खाना खिलाएंगे, वो अकेले कभी नहीं जाएंगे. और हम बार बार बच्चों को यही सिखाते हैं कि कभी भी किसी के साथ अकेला कहीं मत जाना. लेकिन इस एनजीओ हमारा फाउंडेशन और जो सेव द चिल्ड्रन है ना, इन्होंने एक आइडेंटिटी दी है बच्चों को, ये बहुत कम करते हैं, इस इनिशिएटिव और क्या करना चाहेंगे? देखिए, सेव द चिल्ड्रन एक 100 साल पुरानी संस्था है जो दुनिया भर में काम कर रही है. चाहे वो ड्रग मतलब वॉर जोन्स हो, ये लोग जो है ना अपनी जान को दाव पे लगा के बच्चों की सुरक्षा करते हैं. अभी हाल ही में हमारे सेव द चिल्ड्रन के कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई. ये ऐसे लोग हैं जो हीरोज़ हैं, ये असलियत के हीरोज़ हैं. और ये जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारा फाउंडेशन अभी 25 साल हो गए हैं ना, 29 साल हो गए हैं, ये है रियल हीरोज़ ऑफ सोसाइटी. अगर ये नहीं होते तो हम आगे कभी नहीं बढ़ पाते. और हमारी में हम में जो थोड़ी बहुत इंसानियत है वो भी नहीं बचती. जी मैम, हाल ही में मंदसौर एमपी में एमपी में 6 साल की बच्ची का रेप हुआ, मेरे ख्याल से उसके बाद आसिफा का हुआ और तरह का. किसी भी बच्चे के साथ जब बलात्कार होता है, चाहे वो कहीं का हो, ये हमारी इंसानियत पे एक बहुत बड़ा धब्बा है, दाग है. हम दरिंदे हैं जो बच्चों को हानि पहुंचाते हैं. वो हम किसी के भी मज़हब के हो, हमारे अंदर की दरिंदगी दिखती है जब हम बच्चे को चोट पहुंचाते हैं. मुझे सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है जब हम ऐसे घटनाओं को लेकर उसको पॉलिटिसाइज करते हैं. शर्म आनी चाहिए हमें अपने आप पर कि हम ऐसे घटनाओं को एक पॉलिटिकल वेपन और टूल के जरिए यूज़ करके लोगों तक ये बात पहुंचाते हैं. तो गवर्नमेंट साहब किस तरह की उम्मीद करते हैं कि अपने बच्चों के लिए? भाई मंदसौर में देखा गया है, चाहे वो लोग हो जो उस
जितने भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं सब आगे आए हैं. इन्वेस्टिगेशन इज हैपनिंग. द कल्प्रिट्स हैव बीन फाउंड. करेक्ट. द प्रॉपर लीगल प्रोसीजर इज हैपनिंग एंड दैट्स हाउ इट शुड बी एवरीवेयर. Nobody in any part of the world should ever use caste or religion to make it an excuse to protect culprits of such crimes. Can I just, you know, the issue we are talking here today about is urban children. I understand. I think what we are seeing is, and what I do want all of you as media, friends of media, to remember is that when we talk about child protection issues, or we're talking about child rights issues, we are seeing that the population is growing in the urban settings. And I think the focus, and what I would really ask you all to emphasize and remember, is that if we are looking at the most vulnerable children, they are now living in our cities under our noses. So please use your voice to amplify their issues. Absolutely. And don't deflect from this issue by politicizing what I've said. I think it's so, so important for you all to bring awareness and consciousness and understanding of the fact that today, in urban centers, the number of children living in street situations is increasing 1,000-fold. Yes. We need to do everything we can to give them identity, to give them access to education, to protect them and make their lives secure. And if we don't do that, and I'm saying it again, if my friends here in the media don't use this opportunity to do that, we would have all failed. चलते चलते आखिरी सवाल संजीव को लेके बहुत अच्छी ओपिनियन मिली है पब्लिक का पर साथ मिला है और आपके अभिनय को देख करके खास करके लोगों की आंखें देखो कि सांसें भी थम गई थी कैसा महसूस कर रहे हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे हम सारे मतलब जितना प्यार इस फिल्म को मिल रहा है संजू को मिल रहा है हम खुशी की मतलब इंतहा नहीं है हम सब बहुत बहुत खुश हैं कि लोगों को फिल्म इतनी पसंद आ रही है मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैं इतने अच्छे फिल्म का हिस्सा बन पाई और सबसे ज़्यादा इतने अच्छे लोगों के साथ काम कर पाई. राजू ईरानी सर मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं. मैं उनके साथ पहले लगे रहो मुन्ना भाई में काम कर चुकी हूँ और मेरे हिसाब से काम तभी खूबसूरत होता है जब आप अच्छे लोगों के साथ काम कर पाते हो. और खुशी मेरी और भी बढ़ गई है कि लोगों तक ये प्यार और ये जो एहसास के साथ हमने फिल्म बनाई वो पहुंच गया.